हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है विजय और आज की वीडियो में लोग बात करेंगे इंडेक्सिंग की जानेंगे इंडेक्सिंग क्या है और ये कितने टाइप की होती हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे इंडेक्सिंग के बारे में जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है हम लोग क्या करते हैं हम लोग इंडेक्स करते हैं किस चीज का इंडेक्स करेंगे डाटा का इंडेक्स करेंगे अब लोग हम लोग क्या करते हैं हमारे हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होता है अलग अलग आपके सेगमेंट्स में स्टोर होता है अलग अलग ब्लॉक्स में स्टोर होता है अब उन ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन हमें रखनी पड़ती है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं इंडेक्स का यूज़ करते हैं आप सिंपल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसा आप बुक को यूज कर रहे हैं बुक को पढ़ते हैं तो जरूर बुक को जब भी पढ़ते हैं तो उससे पहले आपको फ्रंट में कुछ पेज आपको इंडेक्स के दिए जाते हैं क्यों दिए जाते हैं ताकि आप किसी भी टॉपिक को अगर आपको सर्च करना हो या सब टॉपिक्स को, को सर्च करना हो तो पर्टिकुलर पेज में जाके आप उसको सर्च कर सकें ठीक है एक एक करके आपको पन्ने पलटाने की जरूरत ना हो तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी होता है हम लोग हमारे पास क्या होगा एक मेमोरी होगी ठीक है मेमोरी में यहाँ पर आपके ब्लॉक्स होंगे ठीक है इन ब्लॉक्स में आपके रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे ठीक है अब बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं मल्टीपल ब्लॉक्स एक ब्लॉक में कितने भी रिकॉर्ड सकते हैं वो डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी पे ठीक है फिर हम लोग क्या करेंगे अगर इन ब्लॉक में मुझे ये पता करना है कि कौन कौन से डाटा किस तरह से रखा हुआ है और मुझे शॉर्टिंग में जल्दी से जब डाटा फैच करना होगा तो मुझे जल्दी से जल्दी वो डाटा मुझे चाहिए रिट्रीव करना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक इंडेक्स रख लूँगा ठीक है अभी इंडेक्स क्या करेगा खुद में भी एक मेमोरी लेगा मतलब खुद में भी एक ब्लॉक लेगा हो सकता है एक ब्लॉक से ज्यादा ब्लॉक ले ले मल्टीपल ब्लॉक ले ले अगर ज्यादा डाटा बहुत ज्यादा है ठीक है तो जितना ज्यादा डाटा होगा उसमें इंडेक्सिंग में भी उतना टाइम लगेगा अब जितनी मोटी बुक होती है उसमें जो आपके इंडेक्स के पेजेस होते हैं वो भी ज्यादा होता है किसी में पांच इंडेक्स होते हैं पांच पेज का इंडेक्स होता है किसी में दो पेज का इंडेक्स होता है ठीक है वो डिपेंड करता है कि बुक कितनी मोटी है उसी तरह से यहाँ पर भी होता है कि आपका डाटा कितना ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा कि इंडेक्स कितना ज्यादा होगा ठीक है अब इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं वो हम एक एक करके सीख लेते हैं ठीक है अब सबसे पहला जो आपका आता है वो सिंगल कॉलम इंडेक्स है ठीक है कंपोजिट है यूनिक है और आपका स्केटेड है और नॉन स्केटेड है अब देखिए इन पे भी आपके कुछ ग्रुपिंग की जाती है कि जो पहले के तीन है आपके ये हैं ये आपके प्राइमरी इंडेक्सिंग में आ जाते हैं ठीक है ठेके? किस में आ जाता है प्राइमरी इंडेक्सिंग में ठीक है प्राइमरी इंडेक्सिंग में आ जाएगा अब देखिए प्राइमरी इंडेक्सिंग जैसे आपको नाम पता चला है प्राइमरी ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं प्राइमरी की का यूज करते हैं अपने डाटा को फैच करने के लिए ठीक है किसका यूज करेंगे प्राइमरी की का या सुपर की का यूज करते हैं अपने डाटा को फैच करने के लिए ठीक है तो इसलिए ये क्या होते हैं प्राइमरी की की प्राइमरी इंडेक्सिंग कैटेगरी में आते हैं सिंगल कॉलम इंडेक्स हो गया आपका कंपोजिट को इंडेक्स हो गया और आपका यूनिक इंडेक्स हो गया देखिए यूनिक इंडेक्स आपको पता चल रहा है कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक यूनिक कॉलम को यूज करेंगे ताकि हम पूरी रो को एक्सेस कर सकें ठीक है इसी तरह से कंपोजिट में क्या होता है कंपोजिट में हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल आपके जो टेबल्स होती हैं उसकी कॉलम्स यूज़ डाटा को फैच करने के लिए ठीक है है हो सकता है कि एक ही टेबल में जो मल्टीपल कॉलम्स हैं उनसे हम डाटा को फैच कर रहे हैं। तो कंपोजिट का मतलब क्या होता है कि यहां पर मल्टीपल कॉलम्स को यूज कर रहे हैं फैच करने के लिए डाटा को ठीक है किसके प्राइमरी करेंगे, की की पर करेंगे और सिंगल कॉलम इंडेक्स ठीक है प्राइमरी सिंगल कॉलम इंडेक्स मतलब यहां पर जो कॉलम होगा से हम डाटा फैच कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सिंगल होगा ठीक है सिंगल एक ही कॉलम होगा जिससे जिसकी वजह से हम डाटा को फैच कर पा रहे जैसे रोल नंबर आधार कार्ड पैन कार्ड ठीक है जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए ठीक है तो इसमें हम लोग यूज क्या कर रहे हैं प्राइमरी की इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं और प्राइमरी इंडेक्सिंग में एक और चीज होती है कि जो आपका डाटा होता है वो ऑर्डर में होता है डाटा ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है ठीक है ऑर्डर्ड मतलब कैसे फॉर्म में जिस तरह से आपकी इंडेक्स ऑर्डर होगी ठीक है इंडेक्स ऑर्डर होगी उसी तरह से होगा ठीक है इस तरीके से ठीक है तो डाटा आपका ऑर्डर फॉर्म में होता है ठीक है एक सीरीज में होगा ठीक है अगर इंक्रीजिंग सीरीज में होगा तो इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग में होगा तो डिक्रीजिंग में लेकिन उसका एक ऑर्डर होगा ऐसा नहीं होगा रैंडमली किसी भी तरह से हम डाटा को रख रहे हैं ठीक है प्राइमरी इंडेक्सिंग में अब यहां पर इंडेक्सिंग होती कैसी है बहुत सिंपल है जैसे कि मैंने मान लीजिए एक डाटा बनाया ठीक है ये आपका डाटा है ठीक हो गया यहां पर आपका रोल नंबर आ गया मान लीजिए ठीक है ठीक है अब ये रोल नंबर है यूनिक है इसके यूनिक के बेसिस पे हो रहा है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इस तरह से मैंने रखा अब ये कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड होंगे ठीक है अब ब्लॉक में क्या होता है कि आपके सेट ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जैसे एक दो तीन तीन ही रिकॉर्ड आए मान लीजिए एक ब्लॉक में ठीक है तो यहाँ पर ये ब्लॉक वन हो गया इसको नेम दे दिया मैंने बी वन ठीक है ये हो गया आपका ब्लॉक टू ये हो गया बी टू ठीक है इसी तरह से आगे ब्लॉक होंगे ये ब्लॉक बी थ्री होंगे ठीक है अब इसमें कुछ डाटा होगा ये डाटा हो गया रोल नंबर डाटा मान लीजिए जैसे ए बी सी ठीक है और डी ठीक है और ए रिपीट हो सकता है ना क्योंकि यहाँ पर तो डाटा इसमें कोई फर्क ए बी सी डी ठीक है इस तरह से और होगा इस तरह से और है डाटा ठीक है मान लीजिए तो अब क्या होगा अब ये रखा जाएगा डाटा किस तरह से सेव होगा सबसे पहले यहां पर जो इंडेक्सिंग होगी इंडेक्सिंग होगी इंडेक्सिंग किसके बेसिस पे होगी इंडेक्सिंग आपके बेसिस पे होगी किस पे इंडेक्सिंग होगी आपके प्राइमरी प्राइमरी की के हिसाब से प्राइमरी की है इसमें रोल नंबर रोल नंबर के हिसाब से तो यहां पर मैंने वन रखा ठीक बी वन पर है पे ठीक है ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे सारे डाटा को नहीं रखेंगे जैसे का 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 भी 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 रखा का भी रखा रखा ऐसा नहीं करेंगे ठीक है हम लोग क्या करेंगे जैसे पहली वैल्यू रख ली या आखिरी वैल्यू रख ली ठीक है एक ही ब्लॉक की कोई सी वैल्यू रख ली ठीक है जैसे मैंने पहली वैल्यू रख ली मान लीजिए मैंने यहां पर वन रख दिया मैंने ये बताया कि वन कहां पर है बी में तो अब मैं इजिली निकाल सकता हूं कि थ्री कहां पर होगा क्योंकि मुझे ये पता है कि यहां पर बी में तीन ही रिकॉर्ड आ रहे हैं तो तीन भी मेरा बी में ही होगा इतना मैं हिसाब लगा लूंगा ठीक है और इसी तरह से मैं क्या करूंगा बी टू का भी रख लूंगा बी टू कहाँ पर होगा बी टू फोर में ठीक है ठीके? और मैंने यहां पर रख लिया कि आपका सेवन कहाँ पर है बी थ्री पे है ठीक है इसी तरह से आपका क्या होगा आपका जो टेन होगा वो कहा होगा बी फोर में होगा इस तरीके से मैंने डाटा रख लिया तो यहां पर देखिए अगर जब मुझे रिकॉर्ड वन चाहिए होगा तो मैं बी वन में जाऊंगा अगर टू चाहिए होगा तब भी बी वन में जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि पहले के तीन क्या है तीन ही ब्लॉक आ रहे हैं तीन ही रिकॉर्ड आ रहे हैं एक ब्लॉक में इसी तरह से तीन ही ब्लॉक आ रहे हैं एक रिकॉर्ड में मतलब एक ब्लॉक में तीन रिकॉर्ड आ रहे हैं एक ब्लॉक में तीन ब्लॉक आ रहे हैं मतलब एक ब्लॉक में एक ब्लॉक में तीन रिकॉर्ड आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ब्लॉक्स होते हैं अलग अलग हार्ड डिस्क में आते हैं ब्लॉक होते हैं सेक्टर्स होते हैं ठीक है तो ब्लॉक्स में क्या होता है ब्लॉक्स में आपके रिकॉर्ड इस तरह से रखे जाते हैं ठीक है जैसे एक ब्लॉक में तीन ही आए एक ब्लॉक मल्टीपल आ सकते हैं दस पचास कितने भी आ सकते हैं ठीक है वो हम बाद में बात करेंगे कितने रखते हैं हम तीन ही रख रहे हैं ताकि एग्जाम्पल हमारा आसान पड़े ठीक है मैंने तीन रखे तो मैंने क्या करा यहाँ पर बी वन रखा वन के हिसाब से और मैं यहां पर बता दूंगा कि तीन कैपेसिटी है तो तीसरा और दूसरा तीसरा भी इसी के अंदर होगा ठीक है तो इस तरह से सारे डाटा नहीं रखेंगे तो ये तरह का जो हम डाटा रखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन डेंस डाटा कहते हैं नॉन डेंस अब डेंस वाला कौन सा होता है अगर मैं सारी वैल्यू रखता वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन

ठीक है अब अलग अलग तरीके से फैच करने का तरीका जैसे सिंगल कॉलम में सिंगल कॉलम से होगा मल्टी कंपोजिट में मल्टीपल कॉलम से हो जाएगा और यूनिक इंडेक्स में क्या होगा यूनिक कॉलम से होगा अब आता है आपका स्कैटर्ड इंडेक्सिंग स्कैटर्ड और प्राइमरी में फर्क क्या है स्कैटर्ड में कुछ नहीं होता स्कैटर्ड होता है बिल्कुल प्राइमरी जैसा ही है लेकिन इसमें जो इंडेक्सिंग होती है वो आपके नॉन प्राइमरी कीप होती है किस पे होती है नॉन प्राइमरी पे इंडेक्सिंग जो होगी वो किस पे होगी नॉन प्राइमरी कीप होगी नॉन प्राइमरी की पे ठीक है और इसमें लिख लीजिए कि इंडेक्सिंग जो होगी मतलब ये इसमें नहीं, इसमें इसमें जो आपकी इंडेक्सिंग होगी वो प्राइमरी की में होगी वो तो मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाई दिया इंडेक्सिंग किसमें होगी प्राइमरी की में ठीक है थीके? इसको नोट कीजिए हम तो, तो पानी पी लेते हैं ये नोट हो गया होगा ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम ये समझते हैं कि क्लस्टरिंग इंडेक्स का एग्जाम्पल कैसे होगा ठीक है तो यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल ये मैंने डाटा ले लिया ठीक है तो ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इस तरह से कोई डाटा है ठीक है अब यहां पर डाटा कैसे होगा जैसे ए ए बी 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 सी 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 इस तरह से डाटा ठीक है थीके? ठीक है तो ये क्या होगा यहां पर मान लीजिए तीन ब्लॉक आ रहे हैं पहले में हैं, बी, बी बी तीन रिकॉर्ड आ रहे हैं बी बी तीन पर आ रहे हैं टू में और यहाँ पर तीन आ रहे हैं नीचे से बी थ्री में ठीक है तो हम लोग यहां पर जो इंडेक्सिंग करते हैं वो किस करते? पे करते हैं नॉन की फील्ड पे नॉन की फील्ड यहां पर है ये है ए बी सी डी वाला जो जहां मैंने डाटा रखा है ठीक है तो यहां पर क्या करूँगा नॉन की फील्ड ले लूंगा नॉन की फील्ड क्या आएगा नॉन की फील्ड में आ जाएगा ए जो यूनिक फैल्ड होंगी वही रखेंगे इस तरह से सी इस तरह से डी इस तरह से आगे अगर भी नीचे हो, हो तो रख लेंगे अब देखेंगे तो बी टू में भी रख लेंगे ठीक है, तो है। स्टार्टिंग B B तो यहां से हो रही है आपके बी की जो डाटा है बी जहां पर है, वो बी वन में ही हो जा रहा है ठीक है बी वन में ही हो जा रहा है ठीक है इस तरीके से अब क्या हो गया सी कहां से स्टार्ट हो रहा है सी आपका बी टू से स्टार्ट हो जा रहा है आपका तो बी फाइव में हो गया बी आ रहा है बी सिक्स में आ रहा है तो बी सिक्स में हो जाएगा अब देखिए वही डाटा रखेंगे जहां से वो स्टार्ट हो रहा है जैसे कि आपका बी कहां से स्टार्ट हो रहा था बी आपका बी वन से स्टार्ट हो रहा था बी आपका बी वन से तो बी वन में बी वन रखा ठीक है अब ऑर्डर्ड है तो हम लोग क्या करेंगे ऑर्डर वे में है ना कि ए ए वाले पहले आएंगे फिर बी बी वाले सारे आए फिर सी वाले सारे आए डी डी वाले सारे आए तो जबकि बी की स्टार्टिंग पोजीशन मिल गई तो उसका जब तक बी मिलते रहेगा तब तक तो उसको उठाते रहेंगे फेच करते रहेंगे इसी तरह से सी की स्टार्टिंग वैल्यू मिल गई तो उसका जितने सी सी आते रहेंगे सबको फेच करते रहेंगे तो ये आपका था नॉन क्लस्टर नॉन क्लस्टर में कुछ नहीं होता है होता आपका ही है आपका ऑर्डर डी है ठीक है बस हम लोग प्राइमरी की बजाय नॉन प्राइमरी की जो होती है उसमें इंडेक्सिंग करते हैं ठीक है थीके? ये था आपका फिर आपका आता है नॉन क्लस्टर नॉन क्लस्टर में भी आपके दो टाइप आ जाते हैं दो टाइप में ही डिवाइड हो जाता है एक होता है आपका सेकेंडरी सेकेंडरी की इंडेक्सिंग और सेकेंडरी नॉन की सेकेंडरी नॉन की आ जाएगा ठीक है तो क्या है सेकेंडरी की इंडेक्सिंग सेकेंडरी नॉन की इंडेक्सिंग अब आपका जो क्लस्टर था उसमें क्या था उसमें आपका जो डाटा था वो ऑर्डर में था ठीक है तो इसमें भी डाटा ऑर्डर में होगा दोनों में क्या होगा डाटा ऑर्डर में ही होगा क्लस्टर में भी डाटा ऑर्डर में होगा और आपका न, आ, क्या बोलते हैं प्राइमरी में भी डाटा ऑर्डर में ही होगा लेकिन जो नॉन क्लस्टर होता है उसमें क्या होता है डाटा ऑर्डर में नहीं होता डाटा ऑर्डर में नहीं होगा ठीक है और यहां पर सेकेंडरी की इंडेक्सिंग देखिए की इंडेक्सिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो प्राइमरी की में इंडेक्सिंग करेगा ठीक है और सेकेंडरी नॉन की इंडेक्सिंग लिखा है मतलब वो नॉन प्राइमरी की पे इंडेक्सिंग करेगा तो इसका एग्जाम्पल दे लेते हैं, ये मैंने डाटा रखा है ठीक है इस तरीके से तो इसमें डाटा क्या था एट, नाएट, नाएट, ठीक है अब क्या हुआ अब यहाँ पर जो डाटा रखा हुआ है इसकी जो सीरीज है वो आप देख रहे हैं अनऑर्डर में है मतलब कोई सीरीज नहीं कोई किसी किसी भी ऑर्डर में हो सकता है ठीक है तो ए हो गया आपका यहाँ पर ए आ गया यहाँ पर ठीक है यहाँ पर मान लीजिए बी हो गया इसका ई e है इसका एफ है इसका आपका सी हो गया ये ई e है ठीक है और ये डी है ये पी है ये क्यू है ये आपका आर इधर हो गया एस ये है टी ए है मान लीजिए इस तरह से कोई डाटा दे रखा है ठीक है तो हमारा जो है डाटा है वो क्या है आपका ऑर्डर में नहीं है आपका अनऑर्डर वे में है तो इसको किस तरह से सेव से करेंगे सबसे पहले ये आपकी प्राइमरी की है इसके बेसिस पे इंडेक्सिंग करनी है तो इसके बेसिस पे इंडेक्सिंग होगी तो क्या होगा सब रिकॉर्ड रखे जाएंगे ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस तरह से जितने भी आगे को चलेंगे ठीक है टेन अलेवन सबका डाटा रखा जाएगा इस तरह से ठीक है अब इसमें हो क्या रहा है हो क्या रहा देखिए अब यहां पर फर्क समझिएगा ठीक है देखिए इस केस में क्या था वन टू थ्री मतलब ब्लॉक बी वन में अगर वन से स्टार्ट होंगे तो दो या तीन भी इसी में ही होगा क्योंकि हमें पता था तीन रिकॉर्ड सकते हैं ब्लॉक में ठीक है लेकिन यहां क्या ऐसा है यहां क्या ऐसा है इस वाले में यहां ऐसा नहीं अगर मैं वन बता दूं कि बी वन आपका वन से स्टार्ट हो रहा है तो क्या टू थ्री भी इसमें मिलेंगे गारंटी नहीं है गारंटी नहीं है क्यों अनऑर्डर में है तो ये देखिए ये बी वन में होगा ठीक है इस तरह से तीन ब्लॉक इसमें होंगे बी टू ठीक है ये हो गया आपका बी थ्री ठीक है इस तरह से B4 तो मैं इस तरह से नहीं रह सकता इसलिए मुझे हर एक की की वैल्यू रखनी पड़ेगी हर एक की कहां पर है कौन से ब्लॉक में वो रखना पड़ेगा मेरे को ठीक है ये मुझे देखना पड़ेगा इस तरह से अब देखिए वन कहां पर है वन कहां पर है बताइए वन है बी में बी के बी के पहले रिकॉर्ड में तो बी का फर्स्ट रिकॉर्ड रिकॉर्ड नंबर होगा ये रिकॉर्ड नंबर वन होगा ठीक है ये रिकॉर्ड नंबर टू होगा ये रिकॉर्ड नंबर थ्री होगा इसी तरह से रिकॉर्ड नंबर ये वन होगा ये टू होगा ये थ्री होगा इसी तरह से ये भी होगा वन ये आपका हो जाएगा टू ये हो जाएगा थ्री ठीक है रिकॉर्ड नंबर भी रखेगा साथ में रिकॉर्ड नंबर क्यों रखेगा क्योंकि वन, कहां पर है? बी वन, के वन में है रिकॉर्ड ठीक है इस तरह से रखेगा टू कहां पर है टू हमारा यहां पर है बी वन के तीसरे रिकॉर्ड में बी वन के तीसरे बी वन है बी वन के तीसरे रिकॉर्ड में अब देखिए इसी तरह से आपका क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा फोर कहां पर है फोर हमारा है बी थ्री के फोर में अब बी थ्री के के तीसरे रिकॉर्ड पर है ठीक है इसी तरह से आ गया 5 कहां पर है 5 है बी फोर के, के किस में बी फोर के पहले रिकॉर्ड में हो गया ठीक है सिक्स कहां पर है सिक्स हमारा है बी थ्री के बी थ्री के पहले रिकॉर्ड में है ठीक है इस तरह से आपको आइडिया तो हो गया ना कि किस तरह से रखेंगे आपका ब्लॉक भी रखा जाएगा और किस कौन से नंबर ऑफ रिकॉर्ड में है वो भी रखा जाएगा वन में टू में या में ये भी आपका रखा जाएगा तो ये क्या था इसमें सेकेंडरी था ये सेकेंडरी में क्या होता है डाटा ऑर्डर में नहीं होता इसलिए अनऑर्डर में था ठीक है और किसके बेसिस पे हो रहा है प्राइमरी की के बेसिस पे हो रहा है ठीक है प्राइमरी की यही हमारी प्राइमरी की की इंडेक्सिंग लेंगे तो प्राइमरी की को हर एक वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है वो कौन सी टाइप की है डेंस टाइप की इंडेक्सिंग है अभी तक हम लोग जो भी देख रहे थे क्लस्टर में और आपके प्राइमरी में उसमें नॉन डैश नॉन डेंस थी ठीक है स्पेयर टाइप की थी इसमें क्या है डेंस टाइप की क्योंकि हर एक वैल्यू रखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देखिए हर एक वैल्यू रखी है अलग I mean, अगर पचास भी होती तो पचास तक की वैल्यू रखता क्योंकि हर किसी का मुझे पता होना चाहिए कि कौन से ब्लॉक में है और कौन से उसमें ठीक है थीके? ये चीज समझ में आई ठीक है इसको नोट कर लीजिए तो हम पानी पी लेते हैं

ये हो गया हमारा डाटा ठीक है और ये फील्ड हो गए ठीक है एट नाइन टेन अलेवेन ठीक है अलेवेन आ रहे पिछली बार भी अलेवेन आ गए कोई बात नहीं ठीक है तो ए बी सी डी ई एफ इस तरह से आ गया फिर से ए बी E, सी डी इस तरह से आ गया ठीक है इस तरह से हमने डाटा रख लिया ठीक है अब क्या कर रहे हैं ठीक है ऑर्डर में तो है नहीं ठीक है कोई ऑर्डर में नहीं है ठीक है अब देखिए अब हम क्या करेंगे जो हमारी इंडेक्सिंग होगी वो नॉन की एट्रीब्यूट्स में होगी ठीक है नॉन की फील्ड पर होगी नॉन की फील्ड पर होगी तो अब हम मुझे क्या करना है यहाँ पर देखिए हम लोग एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाटा रखते हैं डाटा किसका रखेंगे जैसे कि एक, 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 एक एक्स्ट्रा ब्लॉक्स में यहाँ पर यूज करूंगा ठीक है एक्स्ट्रा ब्लॉक्स यहाँ पर यूज करूंगा ठीक है इन ब्लॉक में क्या है इसको मैंने नेम दिया बी वन इसको मैंने नेम दिया बी टू इसको मैंने नेम दिया बी थ्री इसको मैंने नेम दिया इसके तीन नीचे होंगे तो इसको बी फोर दे दिया मैंने नींद ये थ्री है ठीक है ये थ्री है बी थ्री बी फोर इसको मैंने दे दिया बी फाइव ये है आपका बी सिक्स इसमें भी आपके तीन रिकॉर्ड हैं इस तरीके से और ये आपका बी सेवन ये आपका बी एट इसमें भी तीन होंगे इस तरीके से ठीक है और यहाँ पर आपकी इंडेक्सिंग हो जाएगी इंडेक्स में क्या होगा नॉन नॉन की फील्ड पे कर रहे हैं तो यूनिक वैल्यू पे करेंगे यूनिक वैल्यू कितनी है ए बी सी डी ई एफ ठीक है तो यहां पर कितनी है ए बी सी डी ई और आपका एक एफ ठीक है इस तरीके से अब मैं क्या करूंगा आ, यहां पर एक दो तीन चार बने ना ए बी सी डी ई एफ ना यहां पर एक और यहां पर बनेगा इस तरीके से एक और ठीक है यहां पर बी एट और यहां पर बी नाइन ठीक है ठीक है अब यहाँ पर जितने होंगे उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर ब्लॉक्स ले लिए अब मैंने ब्लॉक क्यों लिए क्योंकि मुझे ये पता नहीं है कि ए कहाँ कहाँ पर है ए आपका बी वन में भी हो सकता है और आपका और कहीं भी है ए चलिए किस्मत से हमारे बी वन में ही दोनों के दोनों ठीक है तो ये क्या करेगा ये बी फाइव की वैल्यू स्टोर करेगा बी फाइव ये मैंने ए के लिए अलॉट करा रखा है ए के लिए ठीक है इसी तरह से बी सिक्स का होगा बी के लिए ये किस किसके लिए होगा सी के लिए ये किसके लिए होगा डी के लिए ये किसके लिए होगा ई के लिए इसी तरह से एक और हो जाएगा यहाँ पर ठीक है ये हो जाएगा आपका बी टेन ये हो जाएगा आपका एफ के लिए ठीक है इस तरीके से तो यहां पर क्या करेंगे बी फाइव बी फाइव में जो जो बी फाइव कहां कहा होगा जैसे बी वन में आ गया मान लीजिए यहां पर बी बी हंड्रेड में भी है ए ठीक है तो यहां पर कैसे करेंगे बी वन रखेंगे यहां पर बी वन भी है ठीक है बी वन में है बी हंड्रेड में है मान लीजिए बी टू हंड्रेड में भी है तो यहां इस तरह से रख लेंगे इसी तरह से आपका बी टी बी कहा बी सिक्स में होगा यहां पर ये कहां कहां पर है बी कहां कहां पर है बी टू में है ठीक है बी टू में है और कहां पर है यहां पर बी थ्री में भी है तो बी टू बी थ्री रख लेंगे ठीक है बी टू बी थ्री रख लिया ठीक है इसी तरह से सी कहां पर होगा सी कहां पर C है यहाँ पर सी है आपका बी सेवन में ठीक है तो ये इसकी पॉइंट आउट करेगा ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है ये यहाँ है? इसको पॉइंट आउट कर रहा है ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है ठीक है अब डी वाला किसको पॉइंट आउट करेगा डी वाला डी वाले को पॉइंट आउट करेगा इस तरह से मान लीजिए ऐसे घूम के है इस तरह से यहाँ से इतने इधर पॉइंट कर रहा है इससे कर है इस तरीके से ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा बी एट हो जाएगा ये ये बी नाइन हो जाएगा और ये बी टेन हो जाएगा ये एफ वाला ठीक है अब हमें यहाँ पर क्या रखना है यहां पर रखना है सी कहां कहाँ पर है ठीक है सी कहां कहाँ पर है सी आपका बी थ्री में दिख रहा है मुझे और कहाँ दिख रहा है और यहां पर बी फोर में भी दिख रहा है तो बी थ्री बी फोर यहां पर हो जाएगा क्या हो जाएगा बी थ्री और यहाँ पर हो जाएगा आपका बी फोर इसी तरह से डी कहाँ कहाँ दिख रहा है डी दिख रहा है आपका बी टू में दिख रहा है और कहाँ पर दिख रहा है बी टू में दिख रहा है बी फोर में दिख रहा तो बी टू में दिख रहा है और बी फोर में दिख रहा ठीक है इसी तरह ई कहाँ दिख रहा है ई दिख रहा है आपका बी वन में बी वन में दिख रहा है ई ठीक है और कहाँ दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है मुझे बी थ्री में तो बी थ्री में भी आ गया ठीक है और एफ कहां दिख रहा है एफ दिख रहा है मुझे सिर्फ बी में तो यहाँ पर बी आ गया तो इस तरह से हम लोग यहां पर रखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डाटा ज्यादा रखना पड़ता है क्योंकि यहां पर हम लोग करेंगे पहले एक एक फालतू तो एक और ब्लॉक का रख रहे हैं डाटा ठीक है उस ब्लॉक में क्या कर रहे हैं जहां जहां जिस जिस ब्लॉक में आ रहे हैं उस ब्लॉक में रख रहे हैं तो यहां पर जो इंडेक्सिंग हुई यहाँ पर देखिए इंडेक्सिंग एक पहले इंडेक्सिंग हुई मेन इंडेक्सिंग ठीक है उसमें मैंने यूनिक वैल्यू रखी उसके बाद मैंने ये रखा कि कौन से ब्लॉक का है बी फाइव और बी जो ब्लॉक था उसमें वो सिर्फ वही वैल्यू स्टोर करा रहा था जो जहां पर ए है ए बी वन में था बी हंड्रेड में बी टू हंड्रेड में इस तरह से ठीक इस है इसी तरह से पर था था में में तो दोनों की, दोनों की की इंफॉर्मेशन रखी इस तरह से होगा तो समझ गए अगर मैं समअप समू तो यहां पर क्या होगा प्राइमरी की डाटा ऑर्डर में होता है और इसमें करते हैं इंडेक्सिंग किसमें करते हैं आपके प्राइमरी की में इंडेक्सिंग करते हैं क्लस्टर डाटा ऑर्डर में होता है इसमें भी डाटा ऑर्डर में ही होता है लेकिन जो इंडेक्सिंग होती है वो नॉन की फील्ड पे होती है ठीक है सेकेंडरी ठीक है सेकेंडरी की इंडेक्सिंग नॉन की इंडेक्सिंग में क्या फर्क होता है सेकेंडरी में और सेकेंडरी इन दोनों में सेकेंडरी में क्या होता है सेकेंडरी टाइप इंडेक्सिंग में हमेशा डाटा अनऑर्डर में होता है लेकिन उसमें हम लोग एक में क्या करते हैं जब जिसमें सेकेंडरी की इंडेक्सिंग होती है उसमें की में फोकस करते हैं मतलब प्राइमरी की को इंडेक्सिंग की तरह यूज करते हैं और यहां पर नॉन प्राइमरी फील्ड को नॉन प्राइमरी की फील्ड को इंडेक्सिंग में यूज करते हैं ठीक है तो ये डिफरेंस था आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडेक्सिंग में तो आज की वीडियो में इतने रखेंगे कोई भी आपको डाउट आता है तो कमेंट में जरूर बताइए और हमारे दूसरे चैनल को एक्सप्लोर जरूर कीजिए क्योंकि वहां पर मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा रखे हैं फ्रेमवर्क सिखा रखे हैं जो कि आपकी करियर ग्रोथ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं थैंक यू वॉचिंग गुड बाय टेक केयर